मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए, चुनावों के नतीजे आ गए, नया मुख्यमंत्री बन गया, विपक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, ये भी तय हो गया। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता अब केवल विधायक बनकर रह गए हैं। ये बड़ा राजनीतिक फेरबदल हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देखा है। बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की और कमलनाथ की। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर लंबी बहस छिड़ी और उसके बाद बनाए गए मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब केवल विधायक है, फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। अब बात करेंगे कांग्रेस की तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, 15 महीने कांग्रेस की सरकार चला चुके हैं, पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह पे जीतू पटवारी ने जगह ले ली है, यानी कमलनाथ जो कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है वो भी अब केवल विधायक बनकर ही मध्य प्रदेश में रह गए हैं। आपको बता दें कि बीते कई सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को सीएम पद की सौगात दी। मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ के साथ दूसरे कामकाज संभाल लिए। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम रह चुके हैं उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका कहना यह है कि संगठन उनको जो भी जिम्मेदारी देगा वो उसका निर्वाहन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों के बीच में एक्टिव भी हैं, वो लोगों से जनता से मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें या फिर सरकार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के पास फिलहाल कोई जिम्मेदारी, खासतौर पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीते लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पद की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम कमलनाथ के स्थान पर राव से विधानसभा चुनाव हार चुके जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ की कमान दे दी है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कमलनाथ जो हैं वो अब मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल विधायक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के लिए आगे दोनों ही राजनीतिक दल क्या कुछ रखते हैं, क्या उन्हें लोकसभा भी जाएगा या फिर संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल दोनों कद्दावर नेता विधायक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रही है एमपी तक के साथ।